हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इग्नू की तरफ से जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो डे शीट है वो रिलीज़ हो गई है। ये अभी टेंटेटिव डे शीट है, मींस कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा इसके थ्रू कि आपके एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे जून में। तो उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले ही लिखा है टेंटेटिव डे शीट है, ठीक है। तो जो भी आपका कोर्स है उसकी डेट है और जो सेशन है आप ध्यान से चेक करें। और अगर किसी भी केस में थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि जो क्लैश कर रही है आपकी दो एग्ज़ाम की डेट एक ही डेट में, तो आप ईमेल के द्वारा, ईमेल दे रखा है dashit621@ignu.ac.in पे आप 30th मार्च तक आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस केस में आप लोग ओवरलैपिंग है, जो क्लैश हो रहा है डेट का, वो किस केस में कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो कोर्स हैं ग्रुप 1 टू ग्रुप 6, ठीक है, सेम ग्रुप के नहीं होने चाहिए कोई पेपर। ये देखो कोई ग्रुप दे रखा है, ये MEC वालों को तो नहीं है, जो भी अदर उसके स्टूडेंट हैं कोर्सेज के उन्हें पता होगा कि इसमें से क्या क्या उन्होंने चूज़ करा हुआ है। अगर सेम ग्रुप में से ही आपने दो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उनका एग्ज़ाम एक ही डेट पर होगा, ठीक है, तो वो चीज़ चेंज नहीं की जाएगी। अगर अलग ग्रुप के सब्जेक्ट हैं और सेम डेट पे आ रहे हैं तो वो चेंज हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई आपका बैकलॉग कोर्स ना हो, मतलब बैक वाला कोई सब्जेक्ट ना हो। मान लो किसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, आप थर्ड ईयर में हो और थर्ड ईयर सेकेंड ईयर की डेट क्लैश कर रही है, तो उस चीज़ में भी चेंज नहीं होगा। और जो कोर्सेज हैं अलग अलग प्रोग्राम के ना हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लेना आप ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये जो ग्रुप 2 6 जो भी दे रखे हैं। अब बढ़ते हैं डे शीट की तरफ। तो आपका जो भी कोर्स है सेलेक्ट कर लेना। तो हम MEC का देखते हैं कि MEC के आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हैं। तो आपके जो MEC के एग्ज़ाम हैं देखिए आ रहे हैं 16 जून से, ठीक है, 16 जून से स्टार्ट हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का पहला एग्ज़ाम है 002 और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम जो है 17 जून से स्टार्ट है, 004 आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम है, और पूरे एक मंथ तक चलते हैं एग्ज़ाम, तो 19th of July तक है, ठीक है। जून में स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों के पास एक डेट आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर एंड टाइम पे स्टडी करनी है तो फिर स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्द ही चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी, अप्रैल में अपलोड हो जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।